नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज निरंजन। आज हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम को देखेंगे। और ये जो सीरीज़ है वो आपकी रिवीजन सीरीज होगी, जिसमें आपको कुछ एनिमेशंस और 3D से भी समझाने की कोशिश करूँगा उन मुद्दों को, उन चीज़ों को। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, मैं चीज़ों को सिर्फ आपको समझाऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें हो सकता है सुनते सुनते आपको याद भी हो जाए। मैं कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करूँगा, तो आपको इस सीरीज़ बहुत एक अलग सीरीज आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम एनिमल क्लासिफिकेशन करना हो, तो जो भी ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता है बेटा सिस्टेमेटिक पोजीशन। और जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे बेसिस होते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे हैं, बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम कैसी है, पैटर्न ऑफ डाइजेशन सिस्टम का कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है, ऐसे वेरियस पैरामीटर हैं जिनका यूज़ हमें करना होता है। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्या बनता है और आपके नीट के एग्जाम में भी क्या क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, तो हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं। यूकेरियोट्स या फिर कह सकते हो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं। हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी मिलता है इनमें, लोकोमोशन हो सकता है, जैसे पोरीफेरा एक्सेप्ट कर दो, पोरीफोरा में लोकोमोशन नहीं होता, ठीक है बेटा। सेंसरी और नर्वस सिस्टम हो सकता है, एक्सेप्ट पोरीफेरा, पोरीफेरा में सेंसरी और नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो लोकोमोशन पोरीफेरा में नहीं होता है, याद रखना है, सेंसरी और नर्वस सिस्टम पोरीफेरा में नहीं होता है। अब जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल हैं, वो मल्टीसेलुलर है और उनमें सेल वॉल नहीं है, तो उनको डिवाइड भी किया गया है। इन सभी को मेटाजोआ में रखा गया है और मेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है पैराजोआ और दूसरा है यू मेटाजोआ। अब जो जो बेटा पैराजोआ है, उनमें लोकोमोशन नहीं होता, बिल्कुल एक सीधी सी बात याद रखिएगा, पैराजोआ में कोई भी लोकोमोशन नहीं होगा, कोई सेंसरी और नर्वस सिस्टम उसमें नहीं मिलने वाला है। इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे पोरीफेरा के रूप में। दूसरा जो है बेटा यू मेटाजोआ। अब यू मेटाजोआ का क्या काम है? यू मेटाजोआ में बेटा लोकोमोशन होगा और नर्व सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो एक्सेप्ट पोरीफेरा बाकी जितने आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे बेटा? वो आ जाएंगे यू मेटाजोआ में। अब जो जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। जैसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी सिमेट्री की बात करती है, सिमेट्री के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जर्म लेयर के बेसिस पर कि डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्यूप्लोब्लास्टिक है, वहाँ पर उसको देखेंगे, या फिर सेगमेंटेशन के बेसिस पर देखेंगे, या फिर सीलोम कैसा है, इन चीज़ों के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेवल है वो क्या है? सेलुलर लेवल। दो चीज़ें समझते हैं, सेलुलर लेबल्स होते हैं ये, इसमें लूज अरेंजमेंट होता है सेल्स का, और यहाँ पर थोड़ा सा सम डिवीजन ऑफ लेबर भी मिलने वाला है आपको। क्या मिलने वाला है? डिवीजन ऑफ लेबर मिलने वाला है, जैसे स्पंजस में आप ले सकते हैं। दूसरा होता है टिशू। टिशू में जो सभी सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिशू का फॉर्मेशन करती है। और तीसरा होता है एक ऑर्गन लेबल या ऑर्गन सिस्टम लेबल, जिसमें टिशू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गन है वो सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम या एक बॉडी को तैयार करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल को क्या करते हैं? अपन एक बॉडी कहते हैं। अब समझिए, सेलुलर लेवल पर समझेंगे कि सेल्स थी शुरू में सेलुलर लेवल था। भगवान ने सेल से कहा कि बेटा लूज होगा अरेंजमेंट तेरा, कुछ काम का बंटवारा भी होगा, टिशू लेबल पर पहुंचोगे जब तुम, हो जाओगे कॉम्प्लेक्स, सेल्स बनाएंगी मिलकर टिशू को, और टिशू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन लेबल पे, तो टिशू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ये तुम जान लो या तुम मान लो। तो प्लेटी हेलमेंटीज और जितने भी हायर फाइला हैं, वहां पर ऑर्गन लेवल सिस्टम मिलने वाला है। और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम
जितने भी ऑर्गन हैं फिर वो मिलेंगे और वो मिलकर क्या बनाएंगे, वो एक बॉडी प्लेन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जानने की है कि अलग अलग ऑर्गन या जितने भी ये जो अलग अलग एनिमल ग्रुप हैं इनके ऑर्गन सिस्टम अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। जैसे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या तो इनकम्प्लीट होगा या फिर कंप्लीट। अगर आप इनकम्प्लीट की बात करें तो प्लेटी हेलमेंथी जिसका एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ पर केवल एक ही ओपनिंग होंगी, ओनली वन ओपनिंग, ठीक है, फॉर माउथ एंड एनस, उसी से खाना अंदर जाएगा और उसी से बाहर आएगा। आप प्लेटी हेलमेंथीज का एग्जाम्पल इसके लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगी बेटा इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट ओपनिंग मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का होगा। कंप्लीट ओपनिंग क्या होती है, कंप्लीट ओपनिंग में क्या होता है बेटा, ये सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं कि एनस की अलग ओपनिंग होगी और माउथ की अलग ओपनिंग। जैसे अपने अपन खाना खाते कहीं और से और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एनस से निकलता है, तो हमारे में सेपरेट ओपनिंग है। इसी प्रकार अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को ध्यान करें, सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो वहां पर आप देखेंगे वो भी ओपन और क्लोज में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर अपन ओपन में देखेंगे तो ब्लड है ना वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, लेकिन जो सेल्स और जो जितने भी टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद होते हैं ब्लड के। और जबकि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होने जा रहा है बच्चों, उसमें ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जैसे आर्टरी, वेन या फिर कैपिलरीज, ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, इनके थ्रू क्या करता है ब्लड फ्लो करता है। तो ये क्लोज्ड हो गया, इसमें जो ब्लड होता है ना अलग अलग टाइप के डायमीटर्स वाली अलग अलग ब्लड वेसल से होकर फ्लो होता है। तो ये एक एक मतलब एक ये मोड था ये जो कह सकते हो आप। दूसरा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, देखिए सिमेट्री का मतलब है अगर कोई चीज दो वेसेस में डिवाइड कर लो, या तो सिमेट्रिकली होगा कोई एनिमल या फिर होगा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर वो इक्वल हाई हाफ में डिवाइड हो जाए, कोई भी चीज इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। जैसे पोरीफेरा या स्पंजस, इसको आप कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश करें, मिडिल से भी काटने की कोशिश करें, मिडिल होता ही नहीं है, आड़ तिरछा कहीं ना कहीं मिलना है। तो ऐसे पोरीफेरा स्पंजस में है ना, वहां पर वो एसिमेट्रिक है। लेकिन जब हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक को दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये एक को रेडियल कह सकते हैं और एक को बाइलेटरल कह सकते हैं। बाइलेटरल क्या होता है कि मान लो एक लाइन है, कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए एग है, एग तो आपने देखा है इनका एग है, या फिर कोई एक बॉल है, उसको आप ऐसे एक ही लाइन लाइन एक ही प्लेन से गुजार रहे हैं, बीच से काट दें तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे प्लेटी हेलमेंथी से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है, लार्वल इकाइनोडर्मेट्स, वो भी बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, यहाँ पर लोग ये भूल जाते हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करें बेटा रेडियल सिमेट्री की, रेडियल सिमेट्री में क्या करते हैं, उसको किसी कोई भी चीज ले लो आप, उसको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से काटो काटो लाइन, एनिमल वो लाइन है एनिमल को हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे बॉल ले लें, फिर बात करते हैं, अब बॉल को आप कहीं से भी काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, बस लेकिन सेंट्रल एक्सेस होनी चाहिए बीच में, है ना। तो उसके बीच से जैसे मान लीजिए बॉल है, इसको ये ऐसे काटें चाहे हम ऐसे काटें, किसी भी उससे आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा, मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर लगाया हुआ, फिगर से समझिए, तो वो भी इक्वल डिवाइड करें, तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। किसी भी सेंट्रल एक्सेस से काटो लाइन एनिमल को इक्वल डिवाइड करेगी, और बाइलेटरल में जब उसको लाइन को एक प्लेन से गुजारेंगे तभी वो डिवाइड होगी। तो रेडियल का एग्जाम्पल आपके रखना है सीलेंट्रेट्स, टीनोपोर्स और इकाइनोडर्मेट्स का एडल्ट, क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स का जो लार्वा है वो कहाँ पर है, याद करो वो बाइलेटरल सिमेट्री में है। यहां तक बात कंफर्म हुई। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो जर्म लेयर के बेसिस पर डिवीजन की बात करते हैं। जर्म लेयर को समझ लीजिए, किसमें कितनी जर्म लेयर होंगी, इसके बेसिस पे एनिमल किस प्रकार का होगा। देखिए कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करता है, तो हमेशा वो सिंगल सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है, इसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट मेनी टाइम पे डिवाइड होता है, फिर डिवाइड डिवाइड डिवाइड, इस प्रकार से क्या करता है वो मास ऑफ सेल बनाता है, और ये मास ऑफ सेल्स अरेंज हो जाती हैं इंटू टू और थ्री जर्मिनल लेयर में। इन्हीं के बेसिस पर
अगर वो दो जर्मिनल लेयर हैं तो उनको डिप्लोब्लास्टिक, और अगर उनमें तीन जर्मिनल लेयर हैं तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब देखो बेटा, डिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि बाहर की लेयर एक्टोडर्म, अंदर की लेयर इंडोडर्म, और मिडिल में एक अनडिफरेंशिएट मीजोगिलिया होता है। अनडिफरेंशिएट मीजोगिलिया मतलब सेल्स में दो एम्ब्रियोनिक लेयर अरेंज होती हैं, बाहर एक्टोडर्म, अंदर बेटा इनर इंडोडर्म। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो बेटा सीलेंट्रेट्स में। ठीक है, सीलेंट्रेट्स को आप देख सकते हो, इनमें दोनों लेयर के बीच में अनडिफरेंशिएट देखो मीजोगिलिया है। आपको यहां पर इमेजेस में दिखाई दे रहा हो मीजोगिलिया नाम की एक लेयर होती है। जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जैसे प्लेटी हेलमेंथीस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स आएंगे, प्लेटी हेलमेंथीस से लेके कॉर्डेट्स तक, उसमें एक्टोडर्म है आउटर, ठीक है, इनर में एंडोडर्म है, और बीच में एक और लेयर है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म, थर्ड जर्मिनल लेयर कहते हैं उसको मीजोडर्म। वहां पर अनडिफरेंशिएट मीजोगिलिया था, यहां पर मीजोगिलिया प्रेजेंट नहीं होता। यहां पर क्या होता है, एक थर्ड जर्मिनल लेयर डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। ठीक है, तो प्लेटी एलिमेंट से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं इन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और जितने डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है बेटा सीलेंट्रेट्स को, आप अच्छे से याद रखिए। अब एक डिवीजन और होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीलो, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं, डिटेल सीरीज भी मैं इसके साथ बना रहा हूँ, ऐसे लोग जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो वहां से उसको देख सकते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑन द बेसिस ऑफ सीलो, सीलो में क्या कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंस है कि नहीं, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल है गट वॉल है, इनके बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे कहेंगे सीलोम, और अगर कैविटी एब्सेंट है तो क्या कहेंगे उसको, एसीलोमेट। कुछ एनिमल्स में ऐसी कैविटी भी पाई जाती है जो सीलोम जैसी दिखती है लेकिन होती नहीं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सीडोसीलोमेट। सीलोम, सीलोम वो एनिमल्स होंगे या सीलोमेट वो एनिमल्स होंगे जिनमें सीलोम मिलेगी, और ऐसी सीलोम इसमें मीजोडर्मल लाइनिंग मिलती है। जब भी मीजोडर्मल लाइनिंग होगी तो वही सही सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, हमेशा क्या होगा बेटा मीजोडर्मल लाइनिंग। अगर आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे इसको अलग अलग टाइप में भी डिवाइड करते हैं, हम लोग फिलहाल बात करते हैं, देखो आप तीन ऐसे याद रखिएगा, एनिलिडा, मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स, एनिलिडा, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इसको बेटा सीजो कहते हैं। सीजो मतलब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है। इसके अलावा तीन और याद रखने हैं आपको, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ध्यान रखिएगा इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है, एक ही हमें चोर मिला, इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स एक ही, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स हमें, हेमिकॉर्डेट्स मतलब हमें चोर मिला, चोर मतलब कॉर्डेट्स, एक ही हमें चोर मिला, इनको बोलते हैं बेटा इंटीरो, ये क्या होते हैं, इंट्रो होते हैं, इंट्रो मतलब इसमें मीजोडर्म अराइजेस फ्रॉम गट वॉल, गट वॉल से अराइज होती है, जैसे यहां पर बॉडी वॉल थी, गट वॉल थी, बीच में कैविटी मिली, उसको कहेंगे सीलोम। लेकिन इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या हो रहा है, जो बेटा आपकी गट वॉल है, जो गट वॉल है ना, उसी से मीजोडर्म अराइज हो रही है, ओके ना, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको ये याद रखना है। दूसरा देखिए एसीलोमेट क्या होते हैं, जिनमें सीलोम प्रेजेंट हो ही नहीं, जिसमें सीलोम आपको पता ही नहीं लग रही, सीलोम अब्सेंट है, आपको सिर्फ एक याद रखना है, प्लेटी हेलमेंथीस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस में क्या नहीं होता बेटा, वहां पर आपको सीलोम नहीं मिलती, ठीक है, वहां पर आपको क्या नहीं दिख रहा, सीलोम नहीं मिल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो देखो एक्टोडर्म है बाहर, एंडोडर्म है बीच में, क्या है बेटा मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द होल, लेकिन नो कैविटी फाउंड, कैविटी नहीं मिल रही है। जबकि सीलोमेट में आप देखेंगे तो वहां पर क्या मिल रही थी, सीलोलोम, सीलोम विथ मीजोडर्मल लाइनिंग, उसके बीच में मीजोडर्मल लाइनिंग मिल रही है। अब देखो सीडोसीलोमेट होती है जिनकी बॉडी कैविटी में मीजोडर्मल की लाइनिंग तो नहीं होती, सीडोसीलोमेट में क्या नहीं होती है, नो लाइनिंग ऑफ मीजोडर्म इन बॉडी कैविटी, इसके लिए आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, मीजोडर्म एक स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिलती है, स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक है, बीच बीच में, ऐसे मान लीजिए जहां पर इंडोडर्म था, इंडोडर्म के चारों ओर देखिए स्कैटर्ड पाउचेस दिख रहे हैं आपको, आपको डायग्राम में, तो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिल रही है,
इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा एस के एल 29, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ए सिलोमेट में आपको क्या रखना है बेटा, एक ही ए सिलोमेट में आपको याद रखना है प्लेटी हेलमेटीज, आपके एनसीआरटी कहती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के साथ साथ प्लेटी हेलमेटीज, वो ए सिलोमेट में, ठीक है। सीडो सिलोमेट में आपको एक ही नाम याद रखना है एस के हेलमेटीज। और जो सिलोमेट होता है ना, उसमें आपको मैंने अलग अलग तरीके से बताए थे, मैंने तीन बताए थे एक साथ, है ना, एनलिड्स, मोलस्कस और आर्थोपोड्स, है ना, एनलिड्स, मोलस्कस और आर्थोपोड्स। इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है, एनी ने मुंह पे मारा अर्थ के, एनी ने मुंह पे मारा अर्थ के, तो एनिडा, मोलस्कस और आर्थोपोड्स। और मैंने आपको क्या बताया था, एक ही हमें चोर मिला, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब बेटा एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज एक नई आ रही है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक और डिवीजन होता है बॉडी प्लेन के बेसिस पर, कि बॉडी किस तरह से बनी है। देखिए बॉडी तीन तरीके से बन सकती है, एक हो सकती है बेटा कि सेल एग्रीगेट हो गया हो, सेल्स इकट्ठे आ गए हो और वो इंडिपेंडेंट बिहेव करते हो, रिपब्लिक ऑफ सेल्स कह सकते हैं, जैसे पोरीफेरा में, या फिर ब्लाइंड सैक बन गया हो, ब्लाइंड सैक, ठीक है, मतलब सिंगल ओपनिंग है, माउथ और एनस एक ही है, जैसे सीलेंट्रेट्स, टीनोपोर्स या फिर प्लेटी हेलमेंटीज में आपको देखने को मिलता है। तीसरा, बॉडी में ट्यूब विथिन ट्यूब हो, मतलब बॉडी है, बॉडी के बीच में गट डेवलप हो गई हो, गट जैसे हमारे में एलिमेंट्री कैनाल है ना, एक हॉलो बॉडी है और उसके अंदर एक दूसरी हॉलो बॉडी आ गई, जैसे एस के हेलमेंटी से लेके कॉर्डेटा तक आपको यही कैरेक्टर देखने को मिलता है, ट्यूब विथिन ट्यूब। अब बेटा एक और डिवाइडेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सिगमेंटेशन। अब ये सिगमेंटेशन क्या है समझने की कोशिश करिएगा, डायग्राम के साथ समझिएगा। देखिए अगर बॉडी कई सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बॉडी क्या, अगर कई सारे स्मॉल पार्ट्स में एक्सटर्नली और इंटरनली छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, ठीक है, इनमें कुछ ऑर्गन्स में सीरियल रिपीटेशन भी होता है, तो इसे सिगमेंटेशन कहते हैं, इसे सिगमेंटेशन कहते हैं। अब सिगमेंटेशन आपके थोड़ा एनसीईआरटी में क्लियर नहीं, मैं उसको डिवाइड करके बताता हूँ, ये तीन तरीके का होता है, एक होता है बेटा ट्रू, एक होता है फॉल्स सिगमेंटेशन, एक होता है अनसिगमेंटेशन। अब देखिए अगर बॉडी अनसिगमेंटेड है, मतलब डिवाइड नहीं है, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स या फिर टीनोपोरा, एस के हेलमेंटीज और मोलस्कस, मोलस्कस में भी है, ठीक है, तो यहां पर अनसिगमेंटेड है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, एस के हेलमेंटीज और मोलस्कस, यहां पर क्या होगा बेटा अनसिगमेंटेड। फॉल्स किस में मिलेगा, प्लेटी हेलमेंटीज में, प्लेटी हेलमेंटीज में क्या मिलेगा आपको, फॉल्स सिगमेंटेशन मिलेगा। लेकिन ट्रू सिगमेंटेशन क्या होगा, जहां पर ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगा उसको मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। मोस्टली खास तौर पर ये अर्थवॉर्म में आपको देखेगा, आपकी एनसीईआरटी ऐसी कहती है, लेकिन आपको तीन एग्जांपल याद रखने हैं, एनिलिड्स में, आर्थोपोड्स में और कॉर्डेट्स में, ठीक है, इस तरह की ट्रू सेगमेंटेशन मिलता है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोलती है खास तौर पर अर्थवॉर्म में, तो एनसीईआरटी को भी याद रखना है, और ये एनलिड्स, आर्थोपोड्स और कॉर्डेट्स, इसके तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फॉल्स प्लेटी हेलमेंटीज में, ठीक है, ट्रू कहाँ पर, एनलिड्स, आर्थोपोड्स और कॉर्डेट्स में, बाकी जो अनसेगमेंटेड है वो रेस्ट में, मतलब पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्केलमेंटीज, मोलस्कस, वहां पर अनसेगमेंटेड। अब बेटा जो एक और इंपॉर्टेंट डिवाइडेशन है उसको बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड के बेसिस पर, कि नोटोकॉर्ड मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहली चीज, नोटोकॉर्ड किस से बनता है, कहाँ से बनता है, तो हमने जर्मिनल लेयर पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म डिप्लोब्लास्टिक में, तो नोटोकॉर्ड हमेशा मीजोडर्म से इसका एराइज होता है, ड्राइव्ड होता है, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और हमेशा हमेशा डॉर्सल साइड में होता है, फॉर्मड इन डॉर्सल साइड एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमेशा याद रखना। तो नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंस होते हैं, कॉर्डेट्स में, और जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं है उनको हम सभी को क्या मान लेते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक, उन सब में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट किस में होती है बेटा, कॉर्डेट्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नोटोकॉर्ड्स तक।